देखिए भाई, अचानक से एनटीआर सर की 30 फिल्म में काफी ज्यादा हंगामा हो गया है। जो विलेन भाग गया था अब वो फिर से लौट चुका है एनटीआर 30 फिल्म में, यानी कि सैफ अली खान। तो आइए जानते हैं ये क्यों भाग गए थे और फिर से वापस क्यों आ गए हैं एनटीआर सर की फिल्म में। इसलिए आप भी पूरा मैटर जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। जहां तो सबसे पहले आपको बता दूं, एनटीआर 30 की टीम ने सैफ अली खान से फरवरी के महीने में अप्रोच किया था और वो उस समय मान भी गए थे विलेन बनने के लिए, लेकिन फिर अचानक से सैफ अली खान ने रिजेक्ट कर दिया इस फिल्म को। और आपने नोटिस भी किया होगा, एनटीआर 30 के पूजा सेरेमनी में सैफ अली खान वहां नहीं गए थे, जबकि एनटीआर 30 के मेन विलेन हैं। क्योंकि भाई उस समय सैफ अली खान और एनटीआर 30 वालों के बीच कुछ नोक झोंक चल रही थी फीस को लेकर। जो एनटीआर 30 वाले ने फीस दे रहे थे इसमें वो सेटिस्फाई नहीं थे, सैफ अली खान को और चाहिए था पैसा, इसलिए उस समय उन्होंने फीस के लिए साफ ही मना कर दिया फिल्म करना ही। और आपको पता ही होगा एनटीआर 30 पहले से एक साल लेट हो चुका है। और अब जब फिल्म शूटिंग चालू हो गई है तो मेकर्स फिर कहां जाते हैं नए विलेन खोजने के लिए, इसके कारण एनटीआर 30 को फिर से पोस्टपोन करना पड़ जाता। और इसलिए मजबूरन एनटीआर 30 के प्रोड्यूसर्स ने सैफ अली खान का फीस बढ़ा दिया पहले के मुकाबले। सो इसलिए अब सैफ अली खान भी फीस में बढ़ोतरी देख मान गए इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए और अब वो विलेन बनने के लिए रेडी हो गए एनटीआर 30 का। और ऐसा बोला जा रहा है जो एनटीआर 30 का तीसरा शूटिंग शेड्यूल चालू होगा उसमें सैफ अली खान भी जाएंगे एनटीआर सर को ज्वाइन करने के लिए। और वैसे आपको बता दूं, इस एनटीआर 30 फिल्म में एनटीआर सर का कैरेक्टर एक मछली पकड़ने वाले मछुआरा का है और साथ में डबल रोल भी प्ले किए फिल्म में, बाप और बेटा दोनों बने एनटीआर सर। और सैफ अली खान का बोला जा रहा है ये ड्रग माफिया इस फिल्म के, जो एनटीआर के आइलैंड पर अपने ड्रग फैलाने के मकसद से आएंगे और उन्हीं को अपने एनटीआर सर रोकने वाले इस फिल्म में। सो देखते हैं एनटीआर वर्सेस सैफ अली खान का कैसा सीक्वेंस होता है। देखिए जो फीस का बवाल है ये सिर्फ अकेला सैफ अली खान ने बल्कि जहानवी कपूर भी की थी सबसे पहले एनटीआर 30 में ही। मेरे ख्याल से जहानवी कपूर का देखा देखें सैफ अली खान ने ये तरीका अपनाए होंगे फीस बढ़ाने का। हाँ भाई, जहानवी कपूर भी जबरदस्ती से 5 करोड़ फीस ले रही है एनटीआर 30 वालों से। और आपको बता दो जो ये कियारा आडवाणी है उन्होंने रामचरण की आरसी शूटिंग के लिए सिर्फ 3 करोड़ फीस ली है, जबकि इन्होंने दर्जनों फिल्में अपने परफॉर्मेंस से हीट करा दी हैं तब इन्होंने 3 करोड़ फीस लिया। लेकिन ये जहानवी कपूर जिन्होंने अपने एक्टिंग से न जाने कितने फिल्में फ्लॉप करा दी हैं वो इस एनटीआर 30 के लिए 5 करोड़ फीस चार्ज कर रही हैं। खैर अब इन लोग क्या ही बातें की जाए, बाकी अब देखते हैं दो बॉलीवुड कैरेक्टर एनटीआर 30 में क्या क्या काम करते हैं। और साथ में ऐसी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।